गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब के साथ बताने जा रहा हूं। ठीक है, कुछ कंपलसरी सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हमें कुछ एक नया सेंटेंस का मतलब निकलता है। सबसे पहले हम जानेंगे इन्फिनिटिव जब वर्ब के साथ प्रयोग होता है तो कुछ प्रतिक्रियाएं जो क्रिया के होते हैं वो बदल जाते हैं। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस भर्व का मतलब होता है क्रिया के साथ संबोधन करना, अनुवादन करना। ठीक है, जिन्हें हम आप किसी भी काल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, टू प्लस भर्व का मतलब होता है कि क्रिया के साथ अनुवादन करना। काम तो हो रहे हैं लेकिन उस काम में भी प्रेशर है ना, जो हमेशा कंपलसरी शो करता है। क्या कहता है? कंपलसरी शो करता है ना, कंपलसरी शो करता है। ये एक्सप्रेशन इसका कुछ अलग सा होता है ना। जैसे आप प्रेजेंट में प्रयोग करना चाहेंगे तो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स थे, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव। कहने का मतलब है कि कोई भी सेंस में यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में लिखने के दरमियान काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम में भी कंपलसरी है जो हमें करना नीड हो जाता है। पहला है मुझे जाना है, काम तो है जाना लेकिन उसमें कंपलसरी शो कर रहा है। मुझे जाना होता है तो दोनों के सेम मीनिंग है। पहला है आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव टू गो, ये तीनों का मतलब एक ही है। एक सेंटेंस इंग्लिश का और इसका तीन मतलब निकलता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, कंपलसरी है। और नेक्स्ट देखेंगे कि इसे जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो पास्ट का भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पे लेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव, ये पास्ट का हो गया। फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर्स में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बनाते रहेंगे तो इन माध्यमों से यदि बनाना चाहेंगे तो हम किसी भी सेंटेंस को, कंपलसरी वाले सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है जब इन्फिनिटिव वर्ब के साथ इंक्लूड होता है तो उस वर्ब में कंपलसरी शो कर देता है। जैसे मुझे खाना ही होगा, मैं खाना पड़ता था,
खाना होता है ना, तो ये सब क्या है भर्म के साथ कंपलसरी शो कर देता है। काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करने के तरीके को चेंज कर देता है। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस बनाना हो इन्फिनिटिव के साथ, तब प्रयास करें कि उसके पहले भर्म के पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में आप आज प्रेजेंट का पढ़े, कल आप पास्ट का पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप फ्यूचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।